ये घटना माली राव के मन में अपनी आई देवी अहिल्या के लिए और ज्यादा नफरत भर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माली राव जो अपनी आई से ज्यादातर नाराज ही रहते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या हमेशा उनकी गलतियों पर टोकती हैं, उनको सुधारती हैं और उन्हें पनिश भी करती हैं जब जरूरत होती है तब, मगर वो खुद भी पनिश होती हैं, खुद भी रोती हैं कि मैंने अपने माली राव को कष्ट दिया है, मैंने उसको सजा दी है, मगर ये जो माली राव को दिखता नहीं है। माली राव अपनी ही धुन में रहते हैं कि मेरी आई मुझे प्यार नहीं करती है, और यही हम माली राव के मुंह से सुनते आ रहे हैं। मगर जब किडनैप हुए तो सबसे पहले आई शब्द ही उनके मुंह से निकला जब उन्होंने आवाज सुनी। तो दोस्तों, ये माली राव जो आई के लिए तड़प रहे थे, अब एकदम से उनके मन में फिर से एक और नफरत का बीज आ जाएगा, क्योंकि ये घटना जो अब होने वाली है और जो हुई है, जो थोड़ी पहले हुई है थोड़ी बाद में होगी, उससे उनका मन और ज्यादा नफरत से भर जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या ने माली राव को उस बोरी के अंदर देख लिया और माली राव ने भी देख लिया। देवी अहिल्या के पांव माली राव की तरफ बढ़े मगर रुक गए, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि माली राव को बचाने जाएं, क्योंकि माली राव बचते नहीं और ना ही देवी अहिल्या बचते और ना ही कंडे राव बचते, क्योंकि जाल उन्होंने इस तरह से बिछाया हुआ था कि सबकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए उन्होंने उस समय अपने बच्चे को वहीं छोड़ा, दिल पे पत्थर रखा और अपनी जो जाल जो योजना बनाई थी उसको आगे बढ़ाया। मगर ये बात माली राव नहीं समझेंगे। माली राव ने जो समझा वो हमने इस कड़ी में देखा कि मेरी आई ने ऐसा क्यों किया। उनको पता है मेरी जान खतरे में है, फिर भी उन्होंने मुझे बचाया नहीं। तो ये बात तो पहले उनके मन में बैठ गई है, इससे पहले भी वो अपनी आई के बारे में कुछ अच्छा सोचते नहीं है। तो इसके बाद जो दूसरी घटना होने वाली है, जिसमें खंडे राव उनके बाबा साहिब उनके सामने माली राव के लिए अपनी जो शरीर है उस पे कोड़े खाते हुए दिखाई देंगे। माली राव देखेंगे कि कैसे मेरे बाबा साहिब मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरे लिए पीड़ा सहन कर रहे हैं, मगर मेरी आई साहिब ने तो मुझे देख के भी नहीं देखा। तो ये जो बात है दोस्तों, क्योंकि माली राव जो बुद्धि रखते हैं उस बुद्धि में करप्शन भरी हुई है गुरु जी ने और बाकी जो वहां पे है, जो उनकी आई के प्रति उनको भड़काते रहते हैं, वो और ज्यादा भड़केगी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति सामने आती है तो बच्चा ज्यादा दूर तक सोच नहीं पाता है, वो उसी चीज को और ज्यादा सोचता है जो पहले से उसके मन में है, और वो है देवी अहिल्या सख्त है, आई मुझे प्यार नहीं करती है। और जब ये चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि आई ने तो मुझे वहीं पे छोड़ दिया था और बाबा साहब मेरे लिए कोड़े खा रहे हैं, तो मेरी आई मुझे सच में प्यार नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। चाहे अहिल्या देवी उनको बचा भी ले, मगर ये घटना उनके मन में रहेगी और इस घटना के बाद और ज्यादा बेरुखी का उनका रवैया होगा देवी अहिल्या के प्रति। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।